75 आएंगे 75 जाएगा, जिंदगी भर साथ वही निभाएगा जिसे पापा खोज के लाएंगे। मान के चलिए कोनो में लव मैरिज हो रहा है तो उसके घर वाले को पहले से भाप जाते हैं सर, लड़का लड़की को पता नहीं चलता है लेकिन भाप जाते हैं, ये बतियाएगा सब ऐसे खूब, हाँ बता बता कोई देखेगा तुम रे बकलोल का ही का, सामने वाला इग्नोर कर दिया तो तुम बैल समझ रहा है उसको, बतियाते रहेगा हाँ खाना खा लिया। अच्छा सुरेश बता सर क्या पढ़ा है, अच्छा खान सर का नोट्स देख लिए, अरे खचरा कहीं का, तुम किसको दर्शा बता रहे हो, गार्जियन को ठग रहे हो तुम, अरे गार्जियन को ठग देगा तुम, जिस रास्ते पे हो उस पे तुम्हारा गार्जियन कब का जा चुका है, नहाने के बहाने बाथरूम में टोटिया खोल देगा ता 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 पानी गिरे, हाँ बोलो, अरे इतना खचरई करता है आज का लड़का लड़की, चाहे लड़का या लड़की दोनों में वो अकेले थोड़ा पगला रहा है इसलिए कभी हम एगो को दोष नहीं देते हैं, दोष दोनों का है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया तो देखिए ध्यान से, तो गार्जियन को पता रहता है कि इस सब में गड़बड़ है, समझ में आ गया, इग्नोर करता है, इग्नोर करता है। अब क्या गार्जियन को बेवकूफ बनाएंगे, लड़का जाएगा रेस्टोरेंट में खूब बढ़िया टेबल वेबल लगा रहेगा, अब फोटो खींच के डीपी पे लगाएगा, गार्जियन को नहीं पता है कि तोर फोटो हुआ है उधरिया से खींचा कौन है रे कितना दिमाग लगाया, हाँ हाँ दोस्त सब ठेला पे खाता है सब रेस्टोरेंट में नहीं बात करता है, हमको ठगेगा तुम दोस्त खा रहे हैं लोग लड़की सब की सहेली कैसे खाएगी, से एक को भेजेगी सब और 40 को समोसा लेके जाएगी सब मिल के खाएगी हॉस्टल में अपना बैठ के, दोस्त लोग रेस्टोरेंट में खाएगा, बिल देने के लिए मार हो जाएगा, दोस्त लड़कों का दोस्त बहुत खचरा होता है, खाना खाएगा और जब लास्ट हो जाएगा ना तो एक एकदम धीमा खाने लगेगा एकदम धीमा खाएगा क्योंकि खत्म हो जाए तो बिल दे दे नहीं समझे, हम भी एक बार एकदम धीमा खाते थे तो बिल दे दे, एगो हमरे से भी खचरा था, वो सब पेट दर्द का बहाना लेके बैठ गया तो हम उठ के चल दिए दवाई लेके आते तो लिए मत यहाँ पे तो देखिए लव मैरिज में ज्यादातर लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भागते हैं, अब मान के चलिए दूगो में चक्कर चल रहा है तो गार्जियन को पता चल जाता है कि बाबू अब निकल गई लो ही, हम समझ गया, तो लड़की के घर वाला ज्यादा एक्टिव रहता है, अच्छा ठीक ना लग रहा है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंच जाता है सब पहले, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबका लोकल एरिया होता है, 4-5 गो गांव का दबंग आदमी को लेकर पहुंच गया, और ई दू गो जना एकदम सीधा साधा मेकअप करके चल गए हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, गेटे पे धरा गया, कहां धरा गया गेटे पे, जो साहब है अंदर जो साहब के पास नंबर आएगा तब ना जान रहे वो अंदर, इधर आ गया कहा गेटे पे, हुए से थुराई चालू, बहुत मारेगा सब लड़का, अब ज्यादा लड़का ऑन द स्पॉट पिटाता है, लड़की घरे जाके पिटाती, लड़का को मारेगा, बाप मारेगा, भाई मारेगा, लड़की का पहिलका वाला मारेगा, ये सब लाइफ में बहुत सारे लड़कों के जीवन इसमें बर्बाद हो गया, ये सब चीजों से बचिए, ये लाइफ के लिए बहुत डेंजरस चीजें हैं, ये सब चीजें लड़का सबको समझ में नहीं आता है, पर अभी आकर ना आजकल के लड़का सब में क्या है ना कि वो दुनिया देखा नहीं है, जिसको देखा है उसी को दुनिया समझ बैठा, समझ गए कि नहीं, सब चीजें नहीं होती, प्रेम और घृणा ये दो ऐसी चीजें होती हैं, ये उसी से होती है जिसके साथ आप समय बिता रहे हैं, समझ आएगी नहीं आ गया, जिसके साथ समय ही नहीं बिता रहे, अब बताइए इंडिया के किसी लड़का को यूक्रेन के किसी लड़की से प्रेम होगा देखबे नहीं किया है वहां पे तो कहा जाएंगे, तो अभी तो और ना होगा इसलिए ये सब चीजों से थोड़ा सा दूर रहिएगा, ये सारी चीजें मोबाइल के एक टेम्पर ग्लास के लिए है, टेम्पर ग्लास कभी फूट जाता है तो समझिए कि मोबाइल नहीं फूटा है, टेम्पर ग्लास टूटा है, नहीं समझ आ गया है, लेकिन आप लोग टेम्पर ग्लास को फूटने पर ऐसा मातम मनाते हैं जैसे लगता है स्क्रीन फूट गया,
ये सब चीजों से दूर रहिए, ये सक्सेस होने में बहुत बाधा उत्पन्न करेगा। 75 आएंगे 75 जाएगा, जिंदगी भर साथ वही निभाएगा जिसे पापा खोज के लाएंगे। इसलिए ये सब चीजों में नहीं रहना चाहिए। आप यहाँ पे दोस्त खोज के लाए, दोस्त के भरोसे रहेगा तो अपन रिजेक्ट में थमा देगा तोरा। दोस्त खोज के लाएगा इनके लिए। बताइए, लव मैरिज का मामला डायरेक्ट कहाँ जा सकता? किसी को कोई दिक्कत नहीं?